वालेकुम। पता नहीं क्यों आजकल मैं ना शाम के वक्त ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और आज मैंने ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है फ्रेंड। ये इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी मतलब 18 19 महीनों से मैं अंदर लाइट कम बाहर आ जाती हूँ। 19 महीनों से मैं इसको लगातार पहन रही हूँ। तो इसमें ना ड्रेस में छोटे छोटे नीचे ना छेद हो गए हैं, यहाँ पर इतने छोटे छोटे से, और साइड से ना फट भी गई है। साइड से देखो थोड़ी सी ये फट भी गई है, ये यहाँ से फट गई है। लेकिन फिर भी मैं इसको पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये ड्रेस इतनी अच्छी लगती है ना, तो किसी को देने का मन भी नहीं करता। खैर अब तो किसी को दे ही नहीं सकते क्योंकि फट रही है। फट हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए फ्रेंड। तो मैं इसको लास्ट टाइम पहन रही हूँ और उसके बाद मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो मैं हाँ क्या कह रही थी मैं, और ब्लाउज सिलवाया था मैंने रेड वाला, तो वो ना थोड़ा सा टाइट है, बाजू पे से टाइट है। तो इसको मैं दोबारा जा रही हूँ सही करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लेके आ जाना, मैं इसको सही कर दूंगा। तो सोच रही हूँ ये काम मैं फटाफट करवा के मतलब ब्लाउज दे दूंगी, 1 2 दिन में कर देंगे सही को। ठीक है साहब चले। ये कुछ थैले जो कि मेरे घर पे काम के नहीं है तो मैं अम्मी को दे दूंगी। अब हो सकता है अम्मी के कुछ काम में आ जाए, क्योंकि मेरे घर पे ऐसे बहुत सारे थैले हो जाते हैं। पकड़ इसमें डाल, इसमें ब्लाउज डाल दे। डाल दिया, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ चलो फ्रेंड चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलो। 2:35 बज रहे हैं, 2:35 हो रहे हैं, मेरी तहज्जुद की नमाज हो गई है, साथ अभी भी जाग रहा है। तो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। भाभी ने सजाई है रंगोली फूलों से, अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी सजाया है और ये यहाँ पे भी, दरवाजे पे भी, अच्छा लग रहा है भाभी, अच्छा सजाया है आपने। बस तैयार हो गई, नमाज भी हो गई। हम जा रहे हैं। मम्मी के कोई तो वो है, मम्मी कोई तो नहीं है, मम्मी के मामू है। मम्मू के मामू, मेरे मामू के छोटे मामू है, मेरे मेरे छोटे मामू के 11वीं शरीफ की न्याज है। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग साथ के साथ में। साथ बोलना तो पता ही नहीं कहा जा रहा। सही है साथ? सही है। परफ्यूम कहाँ है? कौन सा वाटर डालूंगी वाला मार हुआ कमरे में, वो शीश फैन पे बेकार जाती है। मैं कड़ी कड़ी इन कौन सी क्या अंबर ये अच्छा ऐसे किसी से गले में घुस जाती है। ओवर वॉइस करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आएगी, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। यहाँ पर मैं आंटी मतलब जिनके घर में मैं रहती हूँ उनको, उनके पास गई, उनको मैंने विश किया, हैप्पी दिवाली बोली। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया फ्रेंड, और मुझे बता रही थी कि हम लोगों ने ज़्यादा लाइटिंग वगैरह नहीं करी है, क्योंकि ना फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ महीनों पहले मतलब 1 साल नहीं हुआ है, इस घर के जो मेन ओनर हैं और आंटी के हस्बैंड हैं अंकल, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से इन लोगों ने अभी, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ, 1 साल से पहले ये कोई भी खुशियाँ नहीं बनाते हैं, तो घर में ज़्यादा सजावट नहीं करी थी, सिर्फ दिए जलाए थे फ्रेंड। मैंने आंटी के पास बैठी, बातें करी, आंटी को भी अंकल की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ पर देखो पूरा शहीद नगर लाइट में नहाया हुआ था, हर जगह लाइट ही लाइट ही, बहुत अच्छा भी लग रहा था फ्रेंड, लाइट लाइट के। मैंने खा जल्दी खा, इसे खिला, फूल लगा दूंगी, फूल फूल नहीं नहीं जो नहीं आ गया फूल लगा दूंगी। हाँ कौन से लगा दूं बता देना। नहीं नहीं नाम बिल्ली का है, नाम क्या है इसका, नाम है इसका, नाम चिंटी, चिंटी नाम है इसका, इतनी अच्छी बिल्ली, चिंकी फीमेल है। दे 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 इसको दे दे।
ले ले तू हाथ में लेने जा रहा हो नहीं पकड़ पा रहा हो नहीं पकड़ पा रहा हो बैलेंस बैलेंस नहीं बन रहा उसका गई 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 चिंकी चाचा ने कहते हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा छोटे बाबू है मतलब टाइम में छोटे और कुछ कहना है शादी होने वाली है अभी उन्हीं है शादी हो जाएगी भाभी आएगी नौसिन के लिए नौसिन के लिए मलिंगा फ्रॉम श्रीलंका नहीं खाली शीन नाम है घर का जवानी जवानी से माँ जो नंगलिया में रहती है नंगली में आ गई नहीं है नौशी नहीं है बिरयानी के चक्कर में अपनी नवाजी लोग अरे कुछ नहीं है जो हमारी नवाजी है दे दे क्या हो गया ले भी तो जीगा तू जय हो कमेंट एंड फुल सपोर्ट सब्सक्राइब सपोर्ट करें बना रही हूँ खाना खा लिया खाना खा लिया अब लेने के इंतजार में खाना खा लिया अब बांधने के इंतजार में खाना खा लिया है निकाया जी पतीले दो दोनों में बिरयानी है ना दोनों में बिरयानी है नहीं दोनों में बिरयानी है हाँ चल चलना जा पहचान बेइज्जती हो रही है तेरी तो बेइज्जती कर रहे तो नाच कर देते है सपोर्ट करो बेइज्जती कर रहे हैं हाँ पड़ोसी धर्म पहले पड़ोसी पहले रिश्तेदार बाद में बोलो तो जा कोई मिलना होता है मेरी बहन है बम्बई वाले स्पेशली इसको बम्बई बहुत पसंद है बम्बई में कोई अच्छा लड़का हो अच्छा खाता कमाता खुद का घर होना चाहिए है तो हमें बताना कॉन्टेक्ट करना मेरा अलग है खाना खाना है फिर बहन बेटी को खाना बांध के ले आना है परंपरा है डबल रख ले एक ही करके सब विदा हो रहे हैं खाना बांध बांध के थैलियां ढूंढी आ रही हैं जो कि हर घर में शादी हो चाहे फंक्शन हो वो होता है एक देखो इसने थैली बांध ली काली वाली मेरी थैली आ रही है अभी खाना खाने के बाद भी सात के पेट में केक की जगह रह गई है तो सात केक लेगा वो तो छोटे छोटे केक आते थे ना भाई ना वो आते ना पैकेट वाले छोटे केक भैया वो है कौन से देख ये वाले लास्ट टाइम तो दूसरे वाले थे ना वो छोटे एकदम पैकेट में थे ना है ही नहीं वो वाले
ये तो खारी वगैरह आई, सारी खारी बिक रही है। नीचे देख, नीचे मिल जा तू, ये नीचे देख, वो यहाँ रखे थे पिछली बार। नहीं नहीं वो दूसरे थे, एकदम लंबे लंबे थे चौकोर में, ऐसे खत्म हो गए वो शायद। बस टाइम हो गया इस बात को भी, कुछ और ले ले बता, कौन से लेगा। एक बेकरी हमारे यहाँ मतलब गले मिलते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा होता ना हमारे यहाँ से गले मिलते हैं। हैप्पी दिवाली भाभी, बहुत और बहुत प्यारे भी लग रहे हैं भाभी। थैंक यू अच्छे लग रहा है सब, चूड़ी एकदम परफेक्ट मैच कर रही है, मतलब एकदम से अच्छे से गले मिल गया, अच्छा लग रहा है। ये पत्थर डाल दिए बाहर लगे, अरे वहां तो घर पे होममेड। और ये इनकी बेटी है, ये थाली खा रही है, पूजा की थाली है ना, ऐसा होती है ना। चलो अच्छा पूजा हो गया ना, तो बच्चे कहाँ रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं, सही बात है। अच्छी डेकोरेट किया था हमने, देख लो देख लो देख लो, मैं आराम कर रहे हैं, बोल थाली से खाना मुझे ले सकती हूँ। अच्छा आज मैंने देखा है भाभी का घर, ये थाली तो अब दिया जल भी गया, ये बहुत सुंदर लगता है, लग रहा है पंखे है ना, पंखे से भी पूछ रहा है। हाँ है ना, अरे गर्मी भी इतनी है ना, चलाना पड़ता है, बहुत अच्छे बना है, चलाना पड़ता है, गर्मी भी ज्यादा है ना। हाँ अरे जल चुका है, ये दो एक दो तेल खत्म हो गए, लेट हो गई, दोबारा डाले होते तो फिर से जलने लगता है, काफी टाइम हो गया पूजा किए हुए ना, एक घंटे तो ऐसे ही जल जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिछले साल ही का है, लिया था जो करे ना कांच की बोतलों में, ऐसे आइडिया भी अच्छा है, घर के होम मेड ये बनाओ ना, तो अलग ही बात है, उससे अलग ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेल डन, इधर भी एक बनाइए, हैप्पी दिवाली भैया आपको भी, इधर भी एक बनाइए, एक रंगोली ये बनाइए, त्रिशा ही बनाइए। अच्छा त्रिशा बोले है, त्रिशा ही बनाइए, इंटरेस्ट है इसको, सही घर में रौनक हो गया, ये तो मेहनत भी बहुत हो जाती है, पूरा काम दिवाली में दिवाली ले जाता काम करते करते भाभी से कपड़े बस ये सब सुखाना, ये घिसना, दिवाली में दिवाली कई दिन से तो लगे हैं काम में, खत्म ही नहीं हो रहा काम, पूरा दिन हो जाता था, ये सुखा रही है कभी वो सुखा के ले जा रही है, फिर वो सुखा रही है, दिवाली में काम रहता ही रहता है तमाम का, अभी सुकून से एक दो दिन, एक दिन बाहर ले आना, थोड़ा आराम, एक दिन बाहर खाना, रेस्ट रहेगा, पूरा रेस्ट रहेगा, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का पूरा, भैया इनको टाइम भी है, ऑफिस ऑफिस के अलावा टाइम है क्यों, अब टाइम तो एक दिन करनी पड़ेगी ना भैया, कल तो ऑफिस है ना, कल फिर जाएंगे तो अब छुट्टी नहीं, खत्म। नहीं नहीं है अब वो भैया दो आपके, नहीं नहीं वो भैया बढ़ा देने का, अब वो एडजस्ट करेंगे, आप इतना सपोर्ट करोगे ना, भैया बोले इसको पता है मेरे को छुट्टी नहीं है, भाई छुट्टी नहीं करो, नाश्ता खाना रात का एकदम पूरा फुल आराम, उसे एकदम से आराम करना, सही बात भैया, मेहनत करिए इतनी, और औरत है तो ये त्योहार बनते हैं ना, औरत अगर नहीं हो ना घर में कुछ रौनक नहीं होती है, औरत के बिना ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आज भी कुछ नहीं, अरे इसको तो हमने कल ही लगा दिया कि ये लड़ियां आज लगी हैं, इसको हम कल ही लगा दिए कि ज्यादा काम ना रहे, इसलिए पहले से लगा दिया, पहले भी कर लिए हम थोड़ा, वही तो मैं बोल रही हूँ, कब से आप करते रहते थे, ये सब पहले ही लगा लिया था, जुम्मन सही करा आपसे, थोड़ा सा मतलब हो गया, फ्री हो गया, ये आज बनाया। हाँ रंगोली वगैरह तो आज बनाया, ये लाइट लगी है, वो तोमर जो है थे अपने घर, और पता है चारों तरफ डिंगोलों की, देखो पटाखे वो फूट रहे हैं, झड़ियाँ वड़ियाँ इतनी आवाज आ रही है, और ये सीढ़ियों पे हमारे आ रही हो, और ये दिए रखे हुए अच्छे लग रहे हैं, पूरे घर में ऐसे छोटे छोटे दिए लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये रहे हाँ अंदर भी आ रहे, वाह अंदर भी लगे ना, एक ये जल रहा दिया, देखो फ्रेंड लाइट कम है और मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी, बहुत ज़्यादा पटाखे वटाखे छूट रहे हैं चारों तरफ, और ये भैया ने देखो दिए लगा दिए, इतने प्यारे लग रहे हैं, ये मैंने आपको बताया पहले कि
अब ये ना पूरी रात होगा, जैसे कि अंकल की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया ना अंकल का, इसकी वजह से घर के अंदर कुछ भी ज़्यादा आंटी ने झालर वगैरह नहीं टांगी, अच्छा नहीं लगता ना, उनको भी अपने हस्बैंड की याद आ रही है, तो बस इसी वजह से घर के अंदर सिर्फ जगह जगह दिए लगा दिए, लाइटिंग नहीं करी है ना आंटी ने, बता रहे थे वो। चलो इन ढूंढा के बीच में अपना मैं ब्लॉग खत्म कर लेती हूँ, वरना ही पूरी रात आवाज़ आती रहेगी। अभी नीचे से ना भाभी ने है ना, ये देखो भेजे, ये पता है क्या, खील बतासे बोलते हैं ना, तो साथ में बतासे भी दिए हैं भाभी ने, प्रसाद है इनके यहाँ, ये बटता है, तो ये देखो इसमें लड्डू हैं, बर्फी है और बताशे हैं, क्योंकि मैंने बचपन में खील, ये बताशे होते हैं शक्कर के होते हैं, और ये खील बोलते हैं इसके यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हो आप बताना, तो ये मिला के खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखो बचपन की याद आ गई। ये खाऊंगी मैं, और एक डब्बा मुझे आंटी ने पहुंचाया, इसके अंदर मिठाई है, सारी मिक्स मिठाई है, जो कि मैं खोलना चाहती हूँ ना, हाथ मेरे चिपचिपे हो जाएंगे। और अभी बस ब्लॉग की एंडिंग लेके मैं ब्लॉग एडिट कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला ब्लॉग डालने के लिए। आज बहुत टाइम के बाद मैं, मेरी मामू की लड़कियाँ जो सारी ग्रुप की हैं सब एक साथ मिली, बहुत सारी फ्रेंड बैठ के बातें करेंगे, और एक अरसे के बाद, मैं तो यही कहूँगी, एक अरसे के बाद मैं उनसे मिली हूँ, मुझे उनसे मिल के, उनसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बस अल्लाह ये मोहब्बत और ज़्यादा और आगे बनी रहे। तो बस ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, आप सबको हैप्पी दिवाली, और बस बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।